The Recipe Master. Hey there, welcome to your show, that is The Recipe Master. One of the foremost chefs of the city is going to teach us how to do it in style, and we are going to learn and very properly. Cheese and sauces and sausages and what not. The whole show is about cooking. So the land of herbs and spices is beckoning us. So why don't you join me inside the kitchen so that we can start on with the show. That is The Recipe Master. The Recipe Master. Here we are at The Recipe Master with Landmark's Executive Chef Anthony Gomes. And this time we are going to make crevetes Barcelona. Crevetes is prawn and Barcelona is the item that we have. So, pehle kaise? पहले हमने थोड़ा प्रॉन रखा ओके ये प्रॉन है हमने इसको क्लीन करके पूरा ड्राई करके रखा हुआ है इसको हमने थोड़ा से ये नींबू है नींबू का जूस दे के थोड़ा से ये करना है मेयोनेज़ ओके लाइम जूस या मैरिनेशन इसमें नमक डालना है इसको अभी ये प्रॉन को अच्छा से देके मिक्स कराना है ये लाइम जूस एसेंशियली इसका स्मेल थोड़ा होता है वो हटाने के लिए स्मेल नहीं इसका जो साइड में एक एसिड रहता है हाँ ये फिश का हाँ वो जो चीज रहता है ये सारा निकल जाएगा ये अच्छा इसके लिए इसको किया जाता है एक्चुअली इसको हाफ एन आवर फ्रिज में मैरिनेशन करके रखना चाहिए हम दिखाने के लिए जस्ट अभी कर रहे हैं ओके सो कीप द प्रॉन्स इनसाइड ये हमारा हो गया तो अभी हमने ये पैन में थोड़ा सा बटर देना है बटर एक्चुअली इसमें सब रिफाइंड दिया जाता है लेकिन हमने बटर ही दे दिया ओके You can use refined, yeah. But we are using butter to make it essentially more rich. Butter ko melt karne ke baad, isme ye lahsun, chopped garlic, thoda sa onions, onion, chopped onions, and parsley. पास ये हो गया सीजनिंग अभी इसको हल्का सा ब्राउन करना है Amazing. Yeah. Parsley, onion, garlic, and butter. देखिए ये हल्का सा ब्राउन हो गया इसको अभी हमको ये प्रॉन देना है ओके जूस निकाल के जी अदरवाइज रेडिश हो जाते हैं ना जी पिंकिश रेडिश कलर ऑफ द प्रॉन रियली मेक्स यू स्टे अलोंग विद द डिश एक्चुअली इसको थोड़ा सा कवर करना चाहिए अच्छा। तो हमने दिखाने के लिए हमने कवर नहीं किया okay. अब स्लो फायर में इसको थोड़ा ताकि ये कुक हो जाए हाँ ठीक है To cover this dish so that you can cook it in slow yeah. fire. But in order to show you here, I'm going to show you here. So, pour it. Look here. अभी इसमें ऐड करना है. टमाटो कौन का सी टमाटो कौन का सी हियर वी आर ये हो गया टमाटो कौन का सी
ये क्या है एक्चुअली? एक्चुअली ये टोमेटो कौन का से टोमेटो प्यूरी पेस्ट देके बनाया जाता है। अच्छा। इसको भी हमने थोड़ा आपको बनाने के लिए बता देंगे, ठीक है। ये हमने थोड़ा सा ऐड कर दिया ये चीज। टोमेटो कॉन्कासे इज अ प्यूरी टोमेटो। इसलिए अगेन हमने थोड़ा सा फिश स्टॉक देगा ताकि ये पक जाए। ओके, फिश स्टॉक, फिश बेलन, फिश स्टॉक। एसेंशियली हम लोग वाइन और ब्रांडी के साथ ये सब कर रहे हैं, तो इसमें कौन सा ये चाहिए? ये हमारा ब्रांडी है। हाँ। ये ब्रांडी है थोड़ा बहुत, और थोड़ा सा रेड वाइन, वाइट रेड वाइन हमने थोड़ा सा रेड वाइन देंगे, थोड़ा सा यानी कि 2 स्पून। देखिए अभी इसको आराम से पकना है। আপোনালোকে মোৰ মুখখন চাই পেলাই গম পাই যাব যে কেনেকুৱা ধুনীয়া গুণটো ওলাইছে। দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া লাগিছে, লাইক পিচেচ অফ এইট, ইউ নো, কুকড ইন গ্ৰেভি। হাইডত দিবৰ কাৰণে মই এটা টমাটৰ, एक टमाटर हमने 2 टुकड़ा करके रखा है कि प्लेट का साइड में देने के लिए। अच्छा। क्योंकि ग्रिल भी दे सकते हैं। okay. लेकिन मेरा सजेशन आप ऐसा दीजिए। यू कैन ग्रिल विद टमाटोस बट यू कैन डू दिस आल्सो। या सेफ का सजेशन है, माइट एज वेल लिसन टू हिम। साथ में 5 स्लेट पोटैटो यानी टर्न पोटैटो जो okay. हमने पहले yeah. बताया okay. वैसे टर्न पोटैटो भी दीजिए। okay. टर्न भी टन पोटैटो हर मच्छी के आइटम में आप दे सकते हैं जी। देखिए ये हमारा लगभग तैयार हो गया। अभी इसको हम क्रीम देके उतारना है। ये रहे हमारा फेस क्रीम, फ्रेश क्रीम, फेस क्रीम। क्वाइट अ रिच डिश। या अभी कलर ही अलग हो गया ना जी। आई सडनली गो दिस वे, पुट द क्रीम एंड देन आई कम हियर एंड सडनली इट्स अनदर डिश इन फ्रंट ऑफ मी। देखिए ये हमारा तैयार हो गया। ओके, अभी इसको हम सर्व कर देंगे प्लेट में। देखिए हमने ब्राउन को पहले देना है। थैंक यू। ब्राउन ये आपका टोमेटो साइड में दीजिए। मैंने कुक्ड इन द होल सॉसी थिंग। यस, एंड जो सॉस है इसका ऊपर में आप सॉस डाल दीजिए। ये हो गया जी। थैंक यू। ये हो गया आपका प्रॉन बार्सिलोना। ऊपर से थोड़ा आप पास ले दीजिए। ये हो गया हमारा प्रॉन बार्सिलोना। प्रॉन सच अ डिफरेंट वे टू कुक प्रॉन। You have so many other ways, but this seems to be the best continental meal. Yeah. It's cooked in brandy and wine and butter and what not. This is simply one of the most prominent dishes that I have seen. Bahut hi lazeez lag raha hai. Ji. And the smell coming out from it is yeah. amazing. Good smell also. Haan. It's an amazing smell. Aur taste to acha ho gaya. I hope so. Please carry on. Garam. I just taste the sauce, you know. Okay.
दैट्स इट. इन द सॉस आल्सो यू गेट द प्रॉन लाइक टेस्ट, यू नो, सब कुछ में ये आ जाता है. द क्रीमी टेक्सचर ऑफ द होल डिश. दिस इज क्रेवेंटे बार्सिलोना. यू मस्ट एंड मस्ट ट्राई दिस डिश एट होम एंड गिव योर फैमिली अ टेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंटल जर्नी. सो क्रेवेंटे बार्सिलोना, टेक अ क्विक रीकैप ऑफ व्हाट वी हैव डन आउट हियर एंड वी विल बी बैक विद अ क्विक टिप ऑफ द डे. दैट इज अ स्पेशलिटी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव शेफ ऑफ लैंडमार्क एंथनी गोम्स. Crevettes Barcelona. Ingredients: prawn, lemon juice, butter, chopped garlic, chopped onion, chopped parsley, tomato conque sauce, fish stock, brandy, red wine, tomato and fresh cream. First take the prawn, shell them, wash and pat dry. Season and sprinkle lemon juice, then keep it aside for 15 minutes. After that, heat butter in a pan and add chopped garlic, chopped onion, chopped parsley and mix it up properly in a medium heat. Then add prawn and increase to high heat, then add tomato, conque sauce, fish stock, brandy and red wine. Then reduce to medium heat and stir until the prawns are cooked till 15 minutes. Then add tomato and mix it well. After that, add fresh cream and again mix it well. Then take it out in a plate and sprinkle some parsley for good flavor. And now the Crevettes Barcelona is ready to eat. Why don't we take a short break around this corner? We'll be back with another tasty bit with the Recipe Master. The Recipe Master. The Recipe Master. Okay, after the tasty tidbits of the day, we have for you now the tip of the day from the chefing house of Anthony Gomes out here. So, आज का dish क्या है? आज आपको एक फ्राई आइटम दे देता हूँ. Okay. Chicken आइटम. Okay. ठीक है? Chicken bonjour. मेरे नाम पे दिए. जी. तो ये हमने एक boneless chicken. हाँ. क्लीन करके रखा है. चिकन को हमको बॉनलेस करना है. Just watch how he does it. Yeah. And very carefully do. Yeah, very careful your finger. चिकन फेदर्स को ऐसे हो गया. देखिए हड्डी है, ये स्टॉक के लिए. जी, ये हम भी स्टॉक के लिए यूज करते हैं. तो ये चिकन को ये फिंगर कट करता है. ठीक है, सो वी हैव फॉर यू अ चिकन नेम ऑफ द मी चिकन बंजो चिकन फिंगर. चिकन फिंगर. ओके, तो हमने फिंगर काटना है. ऐसे तो बोनलेस करके कीमा में ये सब ऐसे ही करते हैं. जी जी, सेम ऐसी चलता है हमारा. So we have for you chicken fingers. Yeah. Next piece. Steps. ये हमारा पीस हो गया. अभी इसको हम थोड़ा सा मैरिनेशन करेंगे. ओके. ठीक है, तो मैरिनेशन करने के लिए थोड़ा नमक डालिए, थोड़ा लहसुन, थोड़ा से प्याज, अगर आपको मिर्चा मिर्च पसंद है तो आप थोड़ा से मिर्ची भी डाल सकते हैं. ये रहा. हाँ, एक दो
चलिए, आपको मिर्ची बहुत पसंद लगता है। देखिए इसको हमने चॉप कर देना है। ओके, चॉप चिलीज जी, पिमेंटोस राइट? यस, पिमेंटोस। हमारा चॉप हो गया, डाल दिए। अभी इसमें हम एक अंडा डालना है। ओके, होल एग जी। ओके, एंड थोड़ा सा मैदा, थोड़ा सा मैदा पकड़ के रखने के जी। हो गया, थोड़ा सा ऑस्टर सॉस। ओके, ऑस्टर सॉस ड्रॉप्स। या कॉन्टिनेंटल बनाना है तो ये लेके आना चाहिए जी। अभी इसको हो गया, देखिए अभी ये चिकन को इसमें डाल दीजिए। मैरिनेट द चिकन द होल थिंग। यस, दिखने से ही पता चलता है कितना टेस्टी होने वाला है। मोर ओवर इट्स गोइंग टू बी फ्राइड। ये हो गया, अभी इसको हम गरम बनना है। ओके, ये थोड़ा आप मेरे को दे दीजिए, मैं मार के आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये हम दो एक गरम बनना है। ओके, मैं भी करूँ या आप भी कीजिए। Bury the chicken into the breadcrumbs. Yes. हमारी ठीक है। अभी इसको हम चालू कर देते हैं। ओके, चालू फ्राई। करती रहती हूँ आप जी। okay. आप करते रहिए। इजी या वेरी इजी? तो ये हमारा हो गया लगभग। उसको तुम उसको दे दीजिए, उधर कर दीजिए। ये हमारा लगभग रेडी हो गया, ये हमारा तेल भी हो गया। हाँ, अब बहुत बढ़िया हेल्पर है हमारा। See, I got a compliment at last. ठीक है? हाँ। ये अभी इसको फ्राई कर लीजिए। मारो गोली केएफसी या पॉलिटॉक्स को, you just go and have your own type of chicken fingers. या ठीक है? इसको फ्राई करना है। ओके, डीप फ्राई जी। तो मैंने डीप फ्राई करा है, ऐसी बात नहीं है। डीप फ्राई कीजिए, इसको पकना भी चाहिए, ज़्यादा हीट मत लीजिए, क्योंकि हमने कच्चा चिकन दिया तो पकना भी चाहिए। उस हिसाब से हमने आपने फ्राई कीजिए। ठीक है, डीप फ्राई बट मेक श्योर दैट द होल चिकन इज बीइंग कुक्ड। या तो ये अभी हमारा ये चीज रेडी हो गया। ओके, तो हमने एक प्लेट में निकालना है। वहाँ है सी, आई एम रियली बिजी, आई जस्ट नो वेयर द थिंग्स आर। यहाँ है, वहाँ है। ये रेडी हो गया। द होल क्रिस्पी थिंग्स कमिंग अप, spicy crispy thing.
मेरे नाम पे है चिकन बोंजो या फ्राइड। तो हमारा ये क्विक टिप्स रेडी हो गया। okay. अभी इसका साथ में आप कुछ भी एक तो चिप्स डाल के या एक डिप्स बनाइए चटनी से खाइए, सॉस के साथ सॉस भी यूज कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। एक नींबू दे दीजिए। मैं तो खाऊंगी, मुझे टमाटो सॉस चाहिए। ये आपका रेडी हो गया, रेडी टू सर्व। Really nice snacks, you know, yeah. for evening. Beautiful color, texture, and everything. मैं choose कर रही हूँ कौन सा खाऊँ पहले। पूरा दिन काम करा, फिर खाओ, फिर घर जाओ आराम से। So first of all, this is a very crunchy thing. You can have it along with your snacks time. Very easy to make, like we have shown you here. Fried though, but कोई alternative है कि fry ना करके कुछ और करें? फ्राई करने से अच्छा लगता अच्छा लगता है बट कोई कोई फ्राई नहीं खाते हैं तो फ्राई नहीं करेगा, आप उसको रोल करके बेक भी कर सकते हैं। बेक कर सकते हैं, सो यू गॉट एन ऑल्टरनेटिव, यू कैन बेक द होल थिंग, बट फ्राई से ज्यादा टेस्ट अच्छा आता है। फ्राई करने से ठीक रहेगा। खड़ी देखते हैं। तो सॉफ्टी ध्यान से आप बोलिए कैसा लगा। तो आप भी घर में बनाइए, खूब अच्छा से बनाइए, अच्छा से खाइए। मैं खा रही हूँ, बोलिए आज बोलिए बोलिए बस ओके ठीक है। सो वी हैव ऑल दिस थिंग्स आउट हियर, व्हाई डोंट यू जस्ट टेक अ क्विक रीकैप ऑफ व्हाट वी हैव डन आउट हियर एंड देन वी टेल यू ऑल समथिंग एल्स। चिकन बोंजो। Ingredients: boneless chicken, salt, chopped garlic, chopped onion, chopped chili, egg, flour, Worcestershire sauce, breadcrumbs and oil. First take the chicken and do boneless and cut it into slices. Then take salt in a bowl, chopped garlic, chopped onion, chopped chili, egg, flour and Worcestershire sauce and mix it up with chicken properly. Then take the breadcrumbs and dip the chicken into the breadcrumbs properly one by one and fry it until it turns golden brown. Then take it out in a plate and garnish it with lemon slice and serve it with tomato sauce. And now the chicken bonjo is ready to eat. The Recipe Master. So chef, I had a very tasty thing today. Chicken, fir fish, fir prawn. It was like so a variety of landmarks that we had here today. Aur bahut sare tasty things the. So if you guys really work up in your kitchens, you can have all these things. और इतने सारे dishes दिखाए, इतने easy dishes दिखाए कि आप लोग घर में कर सकते हो। घर आप निजे निजे बनाए पारे अपन लोग के खा बोले। हमें साइज़ हाँ सब वो हेटो करने दिखाए सो जाते अपन लोग के निजो घर निजे बनाए खा पारे। इमान बेसी easy और tasty हुए। No doubt about that. So we have so many things out here for you. This is the end of one episode, but we'll be continuing. So until then, you just have to keep watching the Recipe Master. But before that, আপোনালোকক আকৌ এবাৰ কৈ দিওঁ যে ৰেচিপি মাষ্টাৰ আপোনালোকৰ নিজৰ শ্ব' হয়। আপোনালোকে যদি কিবা কুৱেশ্যনছ আছে, কুৱেৰিজ আছে যে আমি কি ৰেচিপি কেনেকৈ দেখাইছোঁ, আপোনালোকৰ যদি কিবা ক'বলগীয়া আছে যে ৰেচিপি মাষ্টাৰ চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে, প্লিজ 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 ৰাইট ইন ডাউন আ ফিউ লাইনছ এবাউট আছ এণ্ড এবাউট ইয়ৰ চেল্ফ টু দিছ এড্ৰেছ দেট উই হেভ গিভেন বিলো, দেট ইজ দ্য ৰেচিপি মাষ্টাৰ এট জিমেইল ডট কম। আনটিল দেন মি এণ্ড শ্বেফ হিয়াৰ টেক এ ডিউ ফ্ৰম ইউ, বাট উইল বি বেক ইন টু ইয়ৰ টিভি ছেটছ টু এণ্টাৰ ইয়ৰ কিচেনছ with the Recipe Master. Until then, bon appetit. The Recipe Master.
Recipe Master. Hey there, this is the Recipe Master once again. Only one show wherein we show you how to do it well in the cordon bleu style. So welcome to the show, and without further ado, let's get on to the fragrance coming out from the kitchens. Follow me into the whole kitchen of here. So the Recipe Master starts on the cue. The Recipe Master. Hitting it once again with the executive chef of Landmark, Anthony Gomes out here. We are going to start the Recipe Master in a new holds way, and we are going to start with veg au gratin. Yeah. So, कैसे पहले start करें? Vegetable au gratin. Okay. थोड़ा सा आपको देखिए ये गाजर बीन्स हमने डाइस काट के हल्का सा बॉईल करके रखा हुआ है पहले से. तो पहले से एक पैन में थोड़ा हमको पता लेना है. थोड़ा से मैदा ब्राउन करने के लिए हमको ये क्रीम थोड़ा सा देना है. ओके, वी आर एडिंग क्रीम. लिबरल अमाउंट ऑफ बटर, लिबरल अमाउंट ऑफ क्रीम. क्रीम इसमें मिल्क दिया जाता है एक्चुअली, तो हमने क्रीम भी दे दिया. देखिए ग्रीस टाइप का हो गया. ओके, थोड़ा सा पानी डाल दीजिए. ओके, ये हो गया पानी. थोड़ा सा ये सॉस बनाने के लिए ब्यूटीफुल स्टीम्ड अप स्मेल कम्स आउट. ये हल्का सा देखिए चीज हमने थोड़ा ग्रेट करके रखा हुआ है. ग्रेटेड चीज. ग्रेटेड चीज इसमें थोड़ा डाल दिए. थोड़ा सा सॉल्ट टू टेस्ट. ओके, टू टेस्ट सॉल्ट. थोड़ा सा शुगर. शुगर फॉर द टेस्ट. ओके, फॉर द टेस्ट. ना पसंद आए तो शुगर ना दे. जी, आप दे भी सकते हैं. ना पसंद आए तो ना दे. A beautiful thick sauce coming up. Yeah. Pani. Pani. You can add milk also if you want. If you don't want it that rich, add water. If you want it richly made up, so add milk. Okay. Finished. Vegetable go. And the boiled vegetable goes into the sauce. इसमें आप ग्रीन पीस भी डाल सकते हैं, कॉलीफ्लावर भी डाल सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो वैसे सब्जी डालिए. हमने चीज डाला था, चीज इसमें मेल्ट हो गया. चीज इज टोटली मेल्टेड इनटू द डिश. ये आपको हो गया. अभी इसको इसमें एक बाउल में डालना है. पुटिंग इट इनटू अ बाउल. जी, ये एक बाउल में डाल दिए. ये किसके साथ खाएंगे? ये आप कोई चीज का भी साथ खाइए, राइस का भी साथ खा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है. राइस का साथ खाइए या प्लेन में भी खा सकते हैं. अभी इसका ऊपर में जो चीज हम ग्रेट करके रखा हुआ है इस चीज को हम दे देंगे. सच अ रिच, एकदम रिचली टेक्सचर्ड, एकदम पूरा
हल्का सा इसमें गोल्डन ब्राउन करना है okay. तो ब्राउन करने के लिए हल्का सा इसका ऊपर में थोड़ा बटर डालना है ओके ये थोड़ा थोड़ा चीज एंड बटर एंड एवरीथिंग नेवर माइंड वंस अ व्हाइल ये हो गया ओके okay. अभी इसको हम 3 मिनट माइक्रोवेव में डाल देंगे ये अच्छा इसको हम 3 मिनट डालना है ओके सो आवर ऑग्रेटिंग विद चीज टॉपिंग्स एंड बटर टॉपिंग्स इज ऑल रेडी एंड सेट इनटू द माइक्रोवेव फॉर 3 मिनट्स यू कैन आल्सो डू इट एट होम लाइक इट्स शोन सो वी विल हैव टू वेट फॉर अ मिनट और टू विल बी बैक विद द डिश पॉपिंग आउट ऑफ द माइक्रोवेव We are waiting for the egg gratin to be cooking in the microwave and it goes 6, 5, 4, 3, 2, and 1. We are ready. Then. Here, this is our egg gratin is ready. Egg gratin is ready. Here. Now, this is ready. ये हो गया हमारा ओग्रेटी चीज हैज मेल्टेड सो हैज द बटर एंड द होल थिंग इज लाइक वेटिंग फॉर समवन टू ईट इट बट बहुत ज्यादा गर्म है दिखने से ही पता है बहुत ज्यादा गर्म होने वाला है बट स्टिल आई गिव यू एन आइडिया ऑफ व्हाट इट इज लाइक वेल एज इफ आई नीड टू बट स्टिल creamy, cheesy, buttery, and all the vegetable has got into its taste. It's just a splendid idea of cooking vegetable in white sauce. So this is vegetable au gratin. Vegetable au gratin cooked in the microwave for 3 minutes. This is what we had. Tastes good. So why don't you take a quick recap of what we have done out here? We'll be back with another dish. Veg au gratin. Ingredients: butter, flour, cream, water, grated cheese, salt to taste, sugar, and boiled veg. First, to prepare white sauce, take a fry pan and melt butter. Then add flour and mix it up properly till it turns out brown in color. Then add cream and water so that it becomes thin layer. Then add grated cheese, salt to taste, sugar if needed and mix it well. Again add water and boiled vegetables and mix it up properly. Then take it out in a bowl and grate cheese and butter. Then put it into the microwave for 3 minutes and now veg au gratin is ready to eat. The Recipe Master. So here we are back again in the Recipe Master and this time please chef aiye aur dikhaiye ki hum is bar kya karne wale hain. Is bar main aapko ek fried apple dikha raha hu. Fried apple. Ye okay. apple hai. Haan. Apple ko humne peel karna hai. Okay. देखिए ऐसा पील करना है पीलिंग या एंड पीलिंग एंड पीलिंग द एप्पल उसके साथ साथ बोलते जाएंगे तो पीलिंग ही पीलिंग होते पीलिंग हो गया oh, yeah. हो गया आपका एप्पल ओके इसका छिलका हमने छील दिए तो इसको अभी हमको स्लाइस काटना है गोल काटना है जी ये थोड़ा सा मोटा मोटा करके काट लीजिए ये दो स्लाइस हो गया यानी कि इतना तक मोटा होना चाहिए क्योंकि ज़्यादा पतला करने से इसको हमने फ्राई करेंगे क्रिस्पी हो जाएगा थोड़ा मोटा करने से थोड़ा सॉफ्ट रहेगा इसके लिए
अभी इसको हमको बीच का ये निकाल देना है। देखिए ये बीच का निकल गया, डोनर का स्टाइल हो गया ये। तो ये ऐसा हमने एप्पल सारे ढेर सारा थोड़ा बहुत करके रखा हुआ है, रखा है। जी देखिए ये सब ऐसा करके रखा हुआ है। तो अभी इसको हमको फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए एक अंडा, अंडा जी एक अंडा, थोड़ा सा मैदा, ओके। सोच के कहाँ से निकालते कि एप्पल को अंडे में करके रखना है? अंडे में नहीं तो आप मैदा में भी कर सकते हैं। हाँ। थोड़ा सा शक्कर, शुगर जी, इसको हमको बीट करके निकालना है, मिक्स करना है इसको, ठीक है। इसमें डिप करके एप्पल को फ्राई करें जी। ओके, आइडिया हो जाता है थोड़ा बहुत। ये सब क्विक टिप्स है, मतलब जल्दी जल्दी। थोड़ा सा मैदा और देता हूँ, ओके, ताकि थोड़ा चल ज्यादा हो जाए। बीटन एग एंड शुगर एंड मैदा, थोड़ा सा क्रीम, इसमें दूध देना चाहिए लेकिन थोड़ा क्रीम देने से, क्योंकि ये थोड़ा थिकनेस ज्यादा है, थिकनेस ज्यादा है। और little bit more cream, yeah. So by a conception I have dotted out that 4 teaspoons, yeah, 4 tablespoons of 4 tablespoons. ये हो गया हमारा, अभी Better. ये फ्राई करने का तैयार। okay. अभी इसको हमको डुबाना है और इसमें डालना है। okay. ये ऐसा apples dipped in batter and fried in oil. बढ़िया से। डोनट एप्पल जैसा हो गया ना? जी जी। Very very surprisingly innovative. I never seen apples being fried actually. Yeah, baked apples. I have heard about them. Simply looks like apple pakoras. देखिए, ये golden fry हो गया। हाँ हाँ। अभी इसको निकालना है, ठीक है? हमारा फ्राई हो गया। अभी इसको एक चीज करना है, देखिए ये हमने पिंक कलर का शुगर करके रखा हुआ है। ओके, फूड कलरिंग ऐड किया जी। हाँ। पिंक शुगर इसका ओपन में आराम से डाल दीजिए, ये एप्पल का ओपन में। इट्स अ किड्स स्टफ, I mean, kids will surely love it. Horror is like very fun, Baba. You know, colorful and apples fried for once. देखिए, ये हो गया हमारा fried apple. Fried apple with pink sugar. Well, गर्म नहीं है कौन सा? पूरे पूरे सारी की सारी गर्म है. Okay, I need to taste a bit. फिर बताऊँगी कैसा है. Crunchy, soft, pink sugar, sugar है, but still it's pink sugar. So here we have fried apple with pink sugar. Why don't you take a quick recap of what we have done here, and then we'll take a short break and be back with the quick tips of the day. Fried apple.
ingredients: apple, egg, flour, sugar, cream, oil and pink sugar. First take the apple, peel, cut the edges and make 3 rondelles of each and core to make rings. And now for the frying part, take 1 egg, flour, sugar and cream together in a bowl and make a thick batter. Then take the apple and dip into the batter and fry it one by one until it turns golden brown. Then take it out in a plate and garnish it with pink sugar. And now the fried apple is ready to eat. The Recipe Master. The Recipe Master. So here we are back at the Recipe Master and it's time for a quick tip. Chef, Ajiki. Aji, moi dekhai diyasu. Etu potato and chicken chop. Potato and chicken chop. Thik ache? Ha. Etu kaane ami okoman tel diisu fry pan. Okay. Piyaj ar jolokia. Mix kori kima kori moddhe diisu. Chop onions and chili. Yeah. We have to fry it. Eto fry kore dibo lage. Green chilies, red chilies, right. Whatever. Green chilies. How common curry make it? Fry? Ne brown curry. Brown curry chilies, bhal lagbo. Kuch how common bolle? Mane kaisa sakbo ta? Isi ke bhal curry chilies, bhal lagbo. Do hai good? Ito abhi chicken kuma curry chilies jo, mane hara bilal bilal bilal. কিবা কৰি ভালে ওকে এটো আমি ইয়াত দি দিম মাস্ক লগাব লগা হৈছে একদম পুরা এটো ফ্রাই ফ্রাই চিকেন ইন অনিয়ন এন্ড চিলি মোৰ যিটো অৱস্থা হৈছে চাৰিবেলা থকা সব মানুহৰো হৈছে কিন্তু এইটো মানি ল'ব অকল শেফৰ হোৱা নাই নিমখ দিব লাগে অকে to taste. Okay. Salt to taste. Worcester sauce. Hold chef for. So akal mure na hai. Sabare hobo eto. Abo eto jete bhajbo apni eto kaisa na rakhibo. Since chop kori pele hai. আলু মেশ করে পেলাই বইল করে পেলাই গ্রেট করে থুই দিছো এটা আলু আছে আমি এতিয়া ম্যাশড আলুর ভিতৰত
चिकन फ्राई खिनि भरा दिम ओके एनो कय नगा फरि दबो ओके ब्यूटीफुल चिकन चॉप्स इनसाइड मैश्ड पोटैटो इटो कौने तो चिकन चॉप विथ पोटैटोस विथ पोटैटो এটা আমি ভিতর ধরে চিজ কুমাই নিউ চিজ দিলো হবো চিজ দিলে এটা আপনি চিজ পটেটো চপস নাম দিব এটা তো পটেটো চপস উইথ চিকেন It's a variation that you can be doing. Tips this is it, yeah, chef. আপনারকে চিকেন এর জায়গা ভেজিটেবল চিজ পটেটো অর হোয়াটএভার ইউ ওয়ান্ট টু ইউজ অ্যাজ আ ফিলিং তো চপার জিস আইডিয়া টু দি দিছে chef যে যদি চিকেন ইউজ করব পারে সিন্স ইট ইজ ইউ নো ওয়ান অফ হিজ আইডিয়াস তো তেওঁৰ আইডিয়াটো আমি আৰু স্পাইস ঢালি আৰু মিক্সচাৰ কৰি আৰু টেস্টি কৰিব পাৰো আপুনি যদি ইচ্ছা কৰে ইয়াৰ ভিতৰত চিজ দিব পাৰে ইচ্ছা কৰে ইয়াৰ ভিতৰত ভেজিটেবল দিব পাৰে ঠিক আছে এটো আপনার ইচ্ছা খালি প্রি কুক করে দিব প্রি কুক করে দিব লাগে বাস ওকে হগল এতে আপনি এটো বড়িয়াকে এটা ক্যারাম মারি দিব ওকে ক্যারাম মারার কারণে আপনি এটা করে ডিমায় এটা মত ফেটি ফেলে দিছো তাতে অকমান ময়দা দি দিব অকমান পানি এটা গরম করবে হ্যাঁ এটা দিও দিও আপনি বহুত ভালো হেল্পিং করে আপনার হেল্পিং তো খুব ভালো আছে বড়িয়া থ্যাংক ইউ এটো আমি এনেকুৱা দিম এনেকুৱা এটা কাটলেট বনাওঁ এনেকুৱা এটা কাটলেট বনাই দিম হৈ গ'ল এটা We are coating it with biscuit crumbs or you can use bread crumbs also. বেক কৰি প্লে ব্ৰেড টু ক্রিস্প কৰি লব মাইক্ৰোৱেভত এণ্ড দেন ইউ জাস্ট ক্রাশ ইট এতিয়া আমাৰ এটো হৈ গ'ল এতিয়া আমি এটো ফ্রাই কৰি দিম ওকে সো উই আর গোনা ফ্রাই ইট উই আর ফ্রাইং দা চিকেন পটেটোস আউট হিয়ার গোল্ডেন ফ্রাই কৰিম নো গোল্ডেন ফ্রাই অবিয়াসলি ক্রাম টু দিয়া লগে লগে এটা গোল্ডেন এৰা এটা আহি যায় ওপৰত আহি গলে মানে গোল্ডেন ফ্রাই টু গলে টেস্টটো ভাল হ'ব বস্তুটো ক্রিস্পি চপ ক্রিস্পি এটা আমি যিকোনো সসৰ লগত খাব পাৰি যিকোনো সস টমেটো সস মিন্ট চাটনি টাইপৰ হয় মিন্ট চাটনি এটা বনাই দিব এটো পাৰে If you wanted the American way, go for tomato ketchup or chili sauce for the Chinese. And if you want to go for the Indian way, you can just put on a few pounds of mint leaves along with chili, coriander, and a bit of salt. Look, I'm giving you my own tip. Go for a chutney, that is the pudina chutney. That'll give you a bit of Indian spice into it. Okay, you're ready with the chops. We are quite ready with our potato chicken chops. এটো হৈ গ'ল আমাৰ বস্তুটো পটেটো এণ্ড চিকেন চপ এতিয়া আপুনি এইটো লগতে সস দিব পাৰে এতিয়া আপুনি টেষ্ট কৰি লওক অকণমান কেনেকুৱা হ'ল কেনেকুৱা হ'ল মই টেষ্ট কৰিম বাৰু বাট ফাৰ্ষ্ট অফ অল লেট মি টেল ইউ দিছ হেজ গট এ ক্রিস্প এজ এণ্ড এ সফট মিডল উইচ কেন বি ফিল এণ্ড ইটছ গট এ ভেৰি বিউটিফুল টেক্সচাৰ অফ ইটছ অ'ন গোল্ডেন ব্ৰাউন থেংক ইউ শেফ এণ্ড লেট মি টেল ইউ দ্য টেষ্ট নাও
एज यूजुअल फ्राई पैन से उठा के यहाँ, यहाँ से यहाँ, और आपका हाथ का खाना मान गए. इट्स रियली रियली टेस्टी एंड इट्स सॉफ्ट ऑन योर डाइट बिकॉज इट्स हैजंट गॉट मेनी स्पाइसेस. यू कैन ऐड योर ओन, बट अप टिल देन यू जस्ट हैव टू कीप अ टैग ऑफ व्हाट वी हैव डन आउट हियर. टेक अ क्विक रिकैप अंटिल आई जस्ट गॉबल दिस डाउन. Potato and chicken chop. Ingredients: oil, chopped onion, chopped chili, boneless chicken, salt to taste, Worcestershire sauce, boiled potato, egg and biscuit crumbs. First, take oil in a pan, then add onion and chili chop to fry, then add chicken keema and mix it up properly and add water, then put salt to taste, Worcestershire sauce and mix it up properly till fry it well. Then take it out in a plate. And now take the boiled potato and mash it properly. Then take the chicken and fill inside the mashed potato and dip into the egg. Then biscuit crumbs one by one and fry it until it turn golden brown. And serve it with tomato sauce. The Recipe Master. Here we come to another tasty head. Uff, kije din asil. Imman tasty lagile gutekhini bostu khai. Fried apple and au gratin and last chopped chicken and potato. It was like your mind was blown off with your taste buds and neck. Of course, post us your questions and your queries to the address given below and therecipemaster@gmail.com. So you have got anything to ask to me or the chef out here, Sir Anthony Gomes, will answer you. And of course, your feelings about the show. So until then, keep your taste buds enrolling yourself and bon appetit from me and the chef. Until then, the Recipe Master. The Recipe Master.